लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर वरिंदर शर्मा वालों अज प्रोटेस्ट कैंसर के मुढ़ले ज्ञान संबंधी पंजाबी विच आम लोगों लिए लिखी किताब रिलीज़ की गई। इस पुस्तक के लेखक स्टेट अवार्डी डॉक्टर बलदेव सिंह औलख मुख्य यूरोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट सर्जन आईकाई अस्पताल लुधियाना हैं। प्रोस्टेट कैंसर 50 साल तो वध उम्र के मर्दों को प्रभावित करने वाले आम कैंसर विचों एक है और वख वख मरीजों को वखरे तौर पर प्रभावित करता है। इस मौके एडवोकेट हरप्रीत संधु भी हाजिर सन। इसलिए जनता को योग्यता प्राप्त यूरोलॉजिस्ट तो आपो अपने मामलों में इलाज के असल कोर्स को जानने की लोड़ है और व्हाट्सएप इंटरनेट या अखौती अनपढ़ मारां की जानकारी का शिकार न होवे। किताब प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों के लक्षण और संकेतों तशखी पताड़ा सर्जरी हारमोनल थैरेपी और खुराक समेत इलाज के वखो वखरे तरीके बारे दसदी है। अज डॉक्टर बलदेव सिंह औलख होर ने पंजाबी भाषा के गुदूद के कैंसर की जानकारी देने की एक किताबचा छापिया है। यदा उद्घाटन करके पहला तो ही ये वैसे छपी हुई सी बट हूँ इन्होंने यदा अपग्रेडेड वर्जन कढ़िया। मैं ये डॉक्टर साहब को बधाई दिना क्योंकि 50 साल तो वध उम्र के जेड़े भी कोई मर्द हैगे ने उन्होंने ये पेशाब संबंधी गदूद की समस्या बहुत आम है पर समय सिर यदा ध्यान ना देने करके बहुत बार वेला जो निकल जाता तो नुकसान वध हुंदा। सो ये जी किताब है यदा बहुत आम लोगों को फायदा होएगा मैं यकीन है और मेरी लोगों को भी बेनती है कि इन्हों की जी किताब है उन्होंने पढ़ के जेकर तुम कोई सिमटम्स ने जिमें डॉक्टर साहब सलाह देंगे उस तरह सारे टेस्ट करके सिरे तक जाओ और समय सर इलाज कराओ। जे समय सर यदा इलाज कराया जाए तो बहुत सारिया जाना बच सकदियां ने। इस चुकन्ने होने की लड़ है डरन की लड़। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।